नमस्कार दोस्तों, दिल से सोल्जर और दिमाग से शैतान है, हमसे बच के रहना हम हिंदुस्तान है। कुछ इस तरह का बहुत ही शानदार डायलॉग निकल कर आया बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीज़र, जिसको बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था। और जैसा कि देखा जाए, इस टीज़र पर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हमने बहुत टाइम पहले जहाँ मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की, उसमें फुल टू एंटरटेनमेंट हुए थे। लेकिन इस मूवी पर क्या होने वाला है, ये हमें आज के टीज़र से पता चल जाएगा। जैसे देखा जाए, अली अब्बास जफर, सबसे पहले मैं बताऊं, ये बहुत ही ख़तरनाक एक्शन लेकर आते हैं। और इस बार भी इन्होंने कुछ इस तरह का ही दिखाया है। शुरुआत ही पर जब इन्होंने एक ऐसा डायलॉग रचा जैसा कि दिखाया जा रहा है इस पर, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। और इस पर एक ऐसा प्रलय होगा जिस पर भूत, वर्तमान और भविष्य सब बदल देगा। कुछ इस तरह का एक डायलॉग शुरुआत पर निकल कर आता हो। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें, तो एक ऐसा प्रलय जो अच्छाई और बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। यहाँ पर बहुत प्रकार के प्रलय आने वाले हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो टीज़र आया है, इस पर बहुत ही खतरनाक एक्शन दिखाया जा रहा है। गोलियों की भरमार हो रही है, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का टीज़र हमें बहुत दिनों बाद, जो उम्मीद जिस तरह की लग रही थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ कुछ कॉमेडी टाइप की मूवी लेकर आ सकते हैं या किस तरह की मूवी लेकर आ सकते हैं, तो अब इस टीज़र से साफ जाहिर हो गया है कि इस मूवी पर हमें फुल ऑन एक्शन देखने को मिलने वाला है। आप लोग को क्या लगता है कि ये टीज़र आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अक्षय कुमार की इस बार नैया पार होगी या नहीं। और टाइगर श्रॉफ भी बहुत टाइम से बहुत बड़ी कोई हिट नहीं दे पाए हैं, ना अक्षय कुमार, दोनों को ही जोड़ी। इस बार अली अब्बास जफर सफल कर सकते हैं या नहीं, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये टीज़र कैसा लगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा। बाय बाय।